हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर एनिमल बिहेवियर, इसका पार्ट 6 है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे इंस्टिंक्टिव बिहेवियर यानी इनेट बिहेवियर के बारे में। तो उसके की पॉइंट्स जो है वो देख लेते हैं कि इनेट बिहेवियर जो है वो क्या होता है कि जेनेटिकली हार्ड वायर्ड होता है ये, यानी जेनेटिकली ये प्रेजेंट होता है एक एनिमल में। इनेट यानी बाई बर्थ जो है ये बिहेवियर उसमें रहेगा। एंड ये जो है अगर उसको प्रायर एक्सपीरियंस भी ना हो इस रिस्पॉन्स का तो भी वो परफॉर्म करता है। ओके, तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शंस जो है ये एक इसका बहुत ही सिंपल इननेट बिहेवियर का एग्जांपल हो सकता है कि जो जब डॉक्टर्स जो है नी टेस्ट करते हैं एक हैमर से, जो रबर हैमर होता है, तो हमारा जो पैर है वो अचानक वो अपने आप ही जो है इनवॉलंटरी जो है वो उसका मूवमेंट होता है। सो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है और ये इसका इननेट बिहेवियर का जो है एग्जांपल। इसके अलावा भी बहुत सारे इननेट बिहेवियर के एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन इन्फेंट्स में जो मिल्क सकिंग है वो भी एक इननेट बिहेवियर है। नेक्स्ट है कुछ ऑर्गेनिज्म जो है परफॉर्म करते हैं इननेट काइनेसिस यानी यूनिडायरेक्शनल चेंज हो जाता है उनके मूवमेंट में, या फिर टेक्सिस जो कि डायरेक्टेड चेंज होता है उनके मूवमेंट में एंड बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। अब एक और तो है फिक्स एक्शन पैटर्न्स। इसमें क्या होता है कि एक सीरीज होती है एक्शंस की जो कि ट्रिगर होती है बाय की स्टिमुलस, और ये पैटर्न जो है वो जब तक कंप्लीशन नहीं हो जाता तब तक जो है वो चलता रहता है। इफ द स्टिमुलस अगर रिमूव कर लिया जाए तो भी ये कंप्लीट होके ही रहता है। ओके, सो अब ये जो है इननेट बिहेवियर जो है इसको साइंटिस्ट टेस्ट कर सकते हैं बाय गिविंग स्टिमुलस टू नेव यानी जो अनट्रेन्ड एनिमल्स हैं उनको ये स्टिमुलस देके और उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करके जो है अगर वो ऑटोमेटिकली वैसा बिहेव कर रहे हैं जैसे उनका एडल्ट करते हैं टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस तो वो इननेट होता है। ओके, सो नाउ अब देखते हैं कि इसमें क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हेरिंग गर्ल जो है वो अपने बच्चों की केयर करती है, तो उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट गर्ल है उसकी बीक पे जो है रेड स्पॉट होता है, ये जो है रेड स्पॉट इसकी बीक पे होता है, तो ये जो है अपनी चोंच जो है ग्राउंड पे मारता है, तो जो चूजे हैं इसके वो इस रेड स्पॉट पे जो है बहुत बार वो जो है चोंच अपनी मारते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो पेरेंट है वो उनके लिए मतलब जो उन्होंने ऑब्वियसली बर्ड्स में ऐसा होता है कि वो पेरेंट जो है वो खाना सोलो कर लेते हैं फिर आके उसको निगलते उगलते हैं और उसके उनके बच्चे जो खाते हैं, मतलब ये हमको लग सकता है कि डिसगस्टिंग है बट ये उनके लिए जो है खाना है क्योंकि वो चबा नहीं सकते हैं, तो अब उनके पेरेंट जो है वो सेमी डाइजेस्टेड फूड जो है उनको दे देते हैं। सो ये जो बिहेवियर है, जो टैपिंग बिहेवियर है, ये इननेट है, ये जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है उनमें पहले से ही। मतलब अगर देखो उनके पेरेंट को हटा के हम कोई येलो कलर की स्टिक लें और उस पर रेड डॉट लगा दें तो भी वो जो बच्चे हैं वो सेम जो है बिहेवियर शो करेंगे, वही जो है पैक करेंगे एट द स्टिक और जैसे कि वो अपने पेरेंट की बीक पर जो है खाने के लिए करते थे। सो ये एग्जांपल है इननेट बिहेवियर का। सो इस तरह के जो है एनिमल्स में जो बिहेवियर होता है जो इनबॉर्न है बाय बर्थ है वो बिना सीखे ही जो है वो शो होता है। ओके, सो ये जेनेटिकली जो है उनमें पहले से मौजूद रहता है, अगर उनको राइट क्यूज दे दें हम राइट स्टिमुलस दें एक ऑर्गेनिज्म को तो वो इननेट बिहेवियर जो है परफॉर्म करता है विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस और लर्निंग। सो इननेट बिहेवियर जो है वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल होता है क्योंकि सारे जो है रिस्पॉन्स उसके सेम रहेंगे तो वो प्रेडिक्टेबल होगा कि हाँ ये स्टिमुलस दिया है तो वो ये वाला जो है बिहेवियर शो करेगा। ओके, जैसे कि ये जो टैपिंग वाला है इन बर्ड्स में, सो ये जो मेंबर्स हैं उस स्पीशीज़ के वो सब परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं होगा इननेट बिहेवियर में, सबके सब एक जैसा ही जो है स्टिमुलस के प्रति जो है रिस्पॉन्स देंगे, फॉर सेम स्टिमुलाई सेम रिस्पॉन्स रहेगा उनका। सो अब क्या है यहाँ पे और भी एग्जांपल जो है हम देख सकते हैं इननेट के जो बिहेवियर है इन रियल वर्ल्ड आर पार्टली इननेट एंड पार्टली लर्न। जो ज़ेब्रा फिंचेस है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो इस तरह से जेनेटिकली प्रोग्राम है उनमें कि वो गाना गाएंगे टू लर्न अ सॉन्ग, बट विच सॉन्ग दे लर्न डिपेंड ऑन देयर अर्ली एक्सपीरियंस। सो यहाँ पे ये जो है उनके अर्ली एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा, लेकिन उनमें प्रोग्रामिंग क्या है कि वो गाना सीखेंगे। अब नाउ रिफ्लेक्सेस जो है ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है एक इननेट बिहेवियर का, ये इनवॉलंटरी होता है और रैपिड रिस्पॉन्स होता है टू अ स्टिमुलाई और अ क्यू। ओके,
सो अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ह्यूमन रिफ्लेक्स एक्शन का लिया कि नी जर्क रिफ्लेक्स जो है, तो ये जो है नी में टेस्ट करने के लिए जो डॉक्टर है वो टेंडन को टैप करता है जस्ट बिलो द नी कैप विद द रबर हैमर, तो ये एक्टिवेट करता है जो नियर बाई न्यूरॉन्स है उनको, और इससे क्या होता है जो हमारा लोअर लेग है वो इनवॉलेंट्री जो है इनवॉलेंटरीली किक करता है। सो ये इसमें जो है हमारी ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं है, ये अपने आप उस वहाँ पे जो है हो रहा है। सो ये डिपेंड करता है द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन द सर्किट्स ऑफ न्यूरॉन दैट रन बिटवीन द नी एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सो कुछ रिफ्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बेबीज में, बट वो जो है जो जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाता है वो उसमें या तो वो खो जाते हैं या फिर उनको जो है वो कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर आ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस एक न्यू बॉर्न बेबी जो है वो मिल्क सक करता है एंड फ्रॉम या तो हम उसको इस तरह से बॉटल से सक करा सकते हैं या फिर मदर जो है उसको अपना दूध पिला सकती है। तो ये जो है बिहेवियर उसको किसने सिखाया नहीं है, वो भी बच्चा जो है वो पैदा ही हुआ है, तो ये उसका इननेट बिहेवियर है, उसने वो इनबॉर्न जो है उसको वो मिला है। सो नेक्स्ट है काइनेसिस और टेक्सिस। तो काइनेसिस में क्या होता है कि इसमें कुछ देखो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका इननेट बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है जब उनका जो है स्टिमुलस जो है वो चेंज हो जाए, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस विच सच एज हाई टेम्परेचर या फिर टेस्टी सोर्स ऑफ फूड या फिर ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो काइनेसिस में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट जो है वो नॉन डायरेक्शनल चेंज होता है, जैसे कि या तो वो स्पीड अप हो जाएगा या फिर स्लो डाउन हो जाएगा जब उसको कोई रिस्पॉन्स मिले स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। ओके फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल है और उसको जो है जैसे कि यहाँ पे है वुड लाइस है, तो ये जो है जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा जब जब सन रेज जो है वो एकदम हार्श हो जाएंगी तो ये वहाँ से जो है भाग जाएगा, उस धूप में जो है कड़कती धूप में ये नहीं रहेगा, क्योंकि इसको जो है वो चाहिए इसका इन्वायरमेंट जो है वो क्या है कि इसको मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए, शेडी इन्वायरमेंट चाहिए, तो ये जो है मूवमेंट इसका ये वहाँ से भाग गया। काइनेसिस ये रेंडम मूवमेंट है इसका, और जो बेड इन्वायरमेंट है उसको उसने जो है उससे एस्केप होने के लिए इसने ये मूवमेंट किया, ठीक है, ये हो गया काइनेसिस। देन नेक्स्ट ये है जो है वुड लाइस है, देन नेक्स्ट है टैक्सिस। ये मूवमेंट बिहेवियर जो है इसमें एक स्टिमुलस से दूर जाना या फिर उसकी तरफ जाना ये होता है टैक्सिस, यानी ये डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो ये मूवमेंट जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे फोटो टैक्सिस है तो ये लाइट की तरफ जाना मूवमेंट जो है रिस्पॉन्स टू द लाइट। देन है कीमोटैक्सिस जो कि केमिकल्स सिग्नल्स की तरफ जो है मूवमेंट है या फिर उनसे दूर जाना। उसके अलावा जियोटैक्सिस या तो पॉजिटिवली मूवमेंट होगा या फिर नेगेटिवली मूवमेंट होगा, और ये जो है इस तरह से जो है मूवमेंट होता है, यानी कि फोटोटैक्सिस हो सकता है, कीमोटैक्सिस हो सकता है और जियोटैक्सिस, ये इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं इसके टैक्सिस मूवमेंट के। तो ये नेगेटिव हो सकता है यानी उस जो सोर्स है उससे दूर जाने का, या फिर पॉजिटिव हो सकता है टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ स्टिमुलस। तो ये मूवमेंट जो है इस तरह से होता है, एक डायरेक्शनल हुआ और दूसरा जो है नॉन डायरेक्शनल हुआ यानी रैंडम मूवमेंट है। सो ये जो वुड लाइस ने यहाँ पे शो किया ये नेगेटिव फोटोटैक्सिस शो किया है, क्योंकि ये यहाँ से जो है एस्केप हो रहा है, इसको जो है वार्म और जो है ड्राई एनवायरनमेंट नहीं चाहिए होता, सनी और जो है सनी इन्वायरमेंट इसके लिए जो है सही नहीं है, तो ये मॉइस्ट इन्वायरमेंट की तरफ भाग जाता है। नेक्स्ट है फिक्स एक्शन पैटर्न्स जो है वो क्या होते हैं कि ये जो है प्रेडिक्टेबल सीरीज होती है एक्शन की जो कि ट्रिगर्ड होती है बाय स्टिमुलस और क्यू, समटाइम्स इनको हम की स्टिमुलस कहते हैं। सो ये फिक्स एक्शन पैटर्न है, लेकिन ये क्या कहते हैं, ये मोर कॉम्प्लेक्स देन रिफ्लेक्स, क्योंकि रिफ्लेक्स जो है वो ऑटोमेटिक और इनवॉलेंट्री होते हैं, बट जो फिक्स एक्शन पैटर्न्स है ये ऐसे नहीं, ये एक पूरी सीरीज में होंगे। एक बार ट्रिगर हो गया तो जब तक कम्प्लीशन नहीं होता तब तक ये रुकेंगे नहीं, चाहे हम सोर्स जो है जो स्टिमुलस का सोर्स है उसको हम हटा लें है ना, तो भी वो एक्शन जो है वो कम्प्लीट होके ही रहेगा।
जो हमने देखा था अर्लियर जो है जो स्पॉट पैकिंग बिहेवियर है हियरिंग गर्ल्स में, तो ये इसका एग्जांपल है कि हमने अगर लकड़ी भी वहाँ पे येलो कलर की पेंटेड जो है लकड़ी रखी उस पर वो जो है रेड स्पॉट लगा दिया, तो भी जो उसके बच्चे हैं वो सेम ही जो है पैटर्न शो कर रहे हैं, एक्शन टू द जो स्टिमुलस है उनका वो सेम ही रहेगा। तो ये फिक्स एक्शन पैटर्न जो है वो होता ही है, कंप्लीट होने के लिए ही है ये, चाहे हम जो है स्टिमुलस को हटा दें पर ये कंप्लीट होगा। ओके, नेक्स्ट हम एक जो है केस स्टडी देख लेते हैं एग्री ट्राइवल की। यहाँ पे एक फिक्स एक्शन पैटर्न का है ये, तो यहाँ पे जो है ग्राउंड नेस्टिंग जैसे वाटर बर्ड्स हैं, जैसे ये ग्रे लेगीज जो है लेगीज, इनमें क्या होता है कि इनका जो अंडा है अगर वो नेस्ट से बाहर आ जाए तो जो मदर है वो क्या करती है कि उस अंडे को वापस जो है अंदर लेने के लिए वो अपनी गर्दन से जो है उसको अपनी तरफ वापस लेके आती है उसको, विद हर यूज अ बिल टू पुश द एग बैक इन टू द नेस्ट इन अ सीरीज ऑफ वेरी वेरी स्टीरियोटाइप प्रेडिक्टेबल मूवमेंट। सो जैसे ही उसको अंडा जो है बाहर दिखेगा तो वो जो है ये स्टिमुलस उसको मिलेगा और इससे जो उसका जो बिहेवियर है वो शो करेगी। सो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है उनका बिहेवियर है फॉर जो जेनेटिक बिहेवियर है उनका, और ये जो है मोस्ट फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि जिस गूज मदर की जो है रिट्राइविंग की जो है ज़्यादा कैप वो होगी पावर, वो अपने लॉस्ट एग को ज़्यादा रिट्राइव कर पाएगी, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग है उनके जो बच्चे हैं उनकी सर्वाइविंग की रेट जो है वो ज़्यादा होगी ऑन एवरेज देन दोज दैट डोंट, है ना। सो ये है वो ग्रे जो गूज है और ये इसके अंडे हैं। तो लेकिन इसके साथ क्या है कि ये जो है इसका एक्शन जो है वो सेम ही रहता है, इसके कुछ हमेशा बेनिफिट्स नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर अंडा जो है वो बाहर चला गया है और उसको कोई और जो है उठा के ले गया है, मान लो कोई प्रेडेटर आ गया और वो उसको लेके चला गया, तो भी जो मदर गूज है जो गीज है वो वही एक्शन जो है वो करती रहेगी उस इमेजिनरी एग को जो है वापस अपने घोंसले में लाने के लिए। तो ये बिना मतलब का जो है काम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अंडा भी नहीं है और वो बस वो जो है उसका बिहेवियर जो है वो शो कर रही है, जो एक्शन है उसका वो वहाँ पे हो रहा है। और इसके अलावा अगर द गूज विल ट्राई टू पुश एनी एग शेप ऑब्जेक्ट अगर वहाँ पे हो जाए, जैसे कि गोल्फ बॉल पड़ी है, तो वो उसको भी जो है अपने जो है नेस्ट में लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो उसको अंडे जैसे दिख रही है। इवन अगर वहाँ पे हम वॉलीबॉल भी रख दें तो भी वो सेम ही जो है उसको राउंड वो दिख रहा है तो वो रिट्राइवल की कोशिश करेगी। तो ये एक व्यर्थ प्रयास है, तो यहाँ पे एनर्जी वगैरह सब वेस्ट हो रहा है। सो ये एग्जांपल जो है वो इलस्ट्रेट करता है कि फिक्स एक्सपेक्ट ऑफ अ फिक्स एक्शन पैटर्न। सो यहाँ पे ग्रेटर मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऑफ गूज इज लाइकली टू एनकाउंटर इन नेचर द बिहेवियर ऑफ रोलिंग एनी एग लाइक ऑब्जेक्ट नियर द नेस्ट बैक इन टू द नेस्ट विल बी बेनिफिशियल, जबकि सिंपल जो बायोलॉजिकल प्रोग्राम है दैट रन इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई कैन हैव अनहेल्प रिजल्ट अंडर अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। ओके, सो ये है इननेट बिहेवियर जो कि एनिमल्स जो है वो शो करते हैं। तो कभी कभी ये बेनिफिशियल होता है, कभी कभी जो है ये नॉन बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। सो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो बिहेवियर है वो इननेट है, यानी इनबॉर्न बिहेवियर है। तो अब इसको क्या होता है कि ये इननेट बिहेवियर जो है वो जेनेटिकली बिल्ट होता है इन एन ऑर्गेनिज्म रेदर देन, यानी उसने ये सीखा नहीं होता है, ये उसको पहले से ही मिला होता है। ओके, सो अब इसको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि देखो हमने ना ऐसे एनिमल्स जो है एकदम जो जिनको हमने अभी तक उनको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं हुआ है अभी तक, वो नेव है, उनको हमने ले लिया एंड उनको अभी कोई चांस नहीं मिला है कि उस बिहेवियर को जो है शो करने का बाय एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो उसके अलावा हम जो है यंग्स को ना अलग उनको लेके और उनको अलग से पाल सकते हैं उनके एडल्ट से, और फिर हम देख सकते हैं विदाउट जो स्टिमुलस है उनको देकर कि वो जो है वो बिहेवियर उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो है शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वो जब शो करते हैं उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है उनका, तो दैट मीन्स कि ये उनका इननेट बिहेवियर है, यानी उन्होंने ये सीखा नहीं है, वो उनको अपने आप ही उनको आ रहा है वो, ठीक है। सो एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं कि एक डियर माउस लिया हमने जो कि एक स्मॉल होल शो हो स्मॉल जो है बरो और शॉर्ट बरो जो है वो डिग करता है अपनी, और एक बीच माउस होता है जो कि डिग करता है एक लॉन्ग बरो और एक एस्केप टनल के साथ इस तरह से,
और बैक डोर टू गेट अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स। तो इनको क्या क्या साइंटिस्ट ने दिया और इनको लैब में रख दिया, और इनको कोई भी जो है, ये डियर माउस है और ये जो है बीच माउस है, इनको किसी भी तरह की कोई भी रेत वेत नहीं दी। तो फिर जब ये थोड़े से बड़े हो गए तो इनको जो है रेत में दे दी इनको। तो अब जो पैटर्न इन्होंने शो किया जो बिल बनाने का है वो सेम ही था, जबकि इन्होंने कभी रेत देखी भी नहीं थी, लेकिन इनका जो इननेट बिहेवियर है वो वहाँ पे जो उनको स्टिमुलाई मिला और उन्होंने जो है ये रिस्पॉन्स दिया। तो डियर माउस ने वैसा ही शॉर्ट सा जो है बरो बनाया विद नो एस्केप टनल, और बीच माउस ने जो है लॉन्गर बरो बनाया और विद एस्केप टनल। सो ये जो है इननेट बिहेवियर को शो करता है, और ये बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के या बिना सीखे ही जो है एक एनिमल में प्रेजेंट रहता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं वो रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि टाइम जो है बहुत कम रह गया अब। और उसके अलावा जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस करिए। अब जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा जो है अच्छा फील होगा, और उतनी ज़्यादा अच्छी तरह से जो है याद रहेगा कि आपने क्या पढ़ा है। और अगर आप मतलब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट तो सुना ही होगा, तो प्रैक्टिस करते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।